डियर स्टूडेंट्स आज के मॉड्यूल में हम कुछ इम्पॉर्टेंट निमटोड पैरासिटिक स्पीशीज के बारे में डिस्कशन करेंगे इनमें इम्पॉर्टेंट है एस्केरिस लम्बरी यानी यानि इंटस्टाइनल राउंड वर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग्स निमाटोड्स पैरासाइट्स हैं पैरासाइट्स हैं तो दे विल शो अ नंबर ऑफ एवोल्यूशनरी अडेप्टशंस जो कि इनको पैरासाइट बनने में हेल्प देती हैं दे हैव हाई रिप्रोडक्टिव potential, देयर लाइफ साइकिल increases, ट्रांसमिशन from वन होस्ट टू अनदर होस्ट they develop enzymes, रेजिस्टेंट क्यूटिकल रेजिस्टेंट एग्स एंड एनसिस्टेड larvae. सिर्फ इनके अंदर नॉर्मली एक होस्ट ही इनके लाइफ साइकिल में इन्वॉल्व होगा यानी ये अपना पूरा लाइफ साइकिल सिर्फ एक होस्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे और इनके अंदर कम्प्लिकेटेड सेस्टोड या ट्रेमाटोड की तरह डिफरेंट डिफरेंट होस्ट मौजूद नहीं होंगे अस्रीज लम्बरिक्व ये एक इम्पॉटेंट एनिमल है राउंड वर्म ह्यूमन बींग्स का अप्रोक्सीमेटली 800 मिलियन पीपल जो हैं दे आर इन्फेक्टेड विद दिस वर्म थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकेरीज लम्बरिक्ड का अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो इसमें आप देखें ह्यूमन बींग्स के अंदर इसको लाइफ साइकिल को आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं लाइक like इसके यहाँ से हम अगर स्टार्ट करें कि इसके एग्ज़ जो हैं दे आर नॉर्मली प्रेजेंट इन फीसिस एग्स की फर्दर डेवलपमेंट हुई टू सेल स्टेज आई टू सेल स्टेज के बाद टू सेल स्टेज के बाद एट सेल स्टेज सिक्सटीन सेल स्टेज थर्टी टू सेल्स इसके बाद ये प्रोसेस है क्लीवेज का क्लीवेज मीनस रिपीटेड सेल डिवीज और ये एडवांस्ड क्लीवेज के बाद जो इसमें बना दैट इज़ एन इन्फेक्टिव स्टेज ये इन्फेक्टिव स्टेज जो है दिस इज़ आल्सो नोन एज इट्स सेकंड स्टेज लार्वा अब ये सेकंड स्टेज लार्वा जो है दिस इज़ इंजेस्टेड अब ये बॉडी के अंदर जब चला जाएगा पहले सर्कुलेटरी सिस्टम में आएगा फिर लंग्स में आएगा ट्रेकिया में आएगा फेरेंगस में आएगा और फेरेंगे के, के बाद फिर ये सॉलो होने के बाद देन दिस विल एंटर द इन टू अडल्ट फॉर्म और अडल्ट फॉर्म बॉडी के अंदर रहते हुए दैट इज़ क्वाइट हार्मफुल टू द बॉडी अब ये अडल्ट इसके जो हैं दे विल ले एग्स एग्स आर क्रिएटेड आउट ऑफ द बॉडी एंड देन अगेन दिस लाइफ साइकिल स्टार्ट्स अब इसके अडल्ट्स जो हैं एस्कैरिस uh, के दे आर इंटस्टाइनल वर्म्स दे लिव नॉर्मली इन द स्मॉल इंटस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बींग्स दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स दैट विद फीसिस और वह फीसिस के साथ जो है एग्स दे आर एग्स क्रिएटेड आउट ऑफ द बॉडी फर्स्ट स्टेज में लारवा डिवेलप करेगा लारवा जो है रेपिडली इन द एग्स दिस विल शो मोल्टिंग दिस विल शो मेचोरिटी मेचोरिटी के बाद ये लार्वा जो है दिस विल डिवेलपमेंट के बाद इसकी जो स्टेजिज होंगी उसको हम इन्फेक्टिव स्टेजेस कह देंगे जब एक ह्यूमन बींग्स जो हैं इसको एम्ब्रियोनेटेड एग्स को जो कि इसकी इंटस्टाइन में हेज होंगे उनको डाइजेस्ट इंजेस्ट करेगा तो ये लार्वा इंटस्टाइनल वाल में आ जाएगा यहाँ से दिस इज़ कैरिड आउट थ्रू द सर्कुलेशन टू लंग्स, देन इट शोज मोल्टिंग मोल्टिंग विल टेक प्लेस ट्वाइस इन द लंग्स